अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत आने की कोशिश में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में न्यू मार्केट की एक बार डांसर भी शामिल। दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल ने अपने सीमावर्ती इलाके से अलग अलग जगह से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनमें 3 महिला भी शामिल है। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की सीमा में घुसने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने बयान जारी कर बताया है कि 24 जुलाई को सीमा सुरक्षा बल की खुफिया शाखा को घुसपैठ की सूचना मिली तो 42वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी मधुपुर की फास्ट एक्शन टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 2 महिलाओं को भारतीय सीमा में घुसते समय गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की गई महिला को आगे की पूछताछ के लिए सीमा चौकी मधुपुर लाया गया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान 35 वर्षीय मिश्री खातून, 29 वर्षीय मीतू बेगम के तौर पर हुई है। पूछताछ में दोनों महिलाओं ने कबूल किया है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। आगे मिष्टी खानोम ने बताया है कि वह कोलकाता के न्यू मार्केट में बार डांसर का काम करती थी और उसने फर्जी पहचान पत्र भी बनवा रखी थी। वहीं दूसरी घटना में उत्तर 24 परगना जिले में सीमा चौकी हकीमपुर 112वीं वाहिनी सेक्टर कोलकाता के जवानों ने सीमा पर ड्यूटी के दौरान 3 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से सीमा पार करते वक्त पकड़ा, जो कि बांग्लादेश से भारत आ रहे थे। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान भोजोय सरकार, प्रियालाल मंडल, सुखी अख्तर के तौर पर हुई है। शुरुआती पूछताछ के दौरान सभी ने अपने आप को बांग्लादेश का नागरिक बताया है। सभी काम की तलाश में भारत आने की कोशिश कर रहे थे। सभी अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, तभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इन सभी को पकड़ लिया। यह सभी व्यक्ति एक अज्ञात भारतीय दलाल की मदद से सीमा पार कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। सपोर्ट ट्रूथ, सपोर्ट अस, जीपे एंड फोन पे 9831060581।